जयंत माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिक ब्रेड स्टडी पर आपका फिर एक बार स्वागत। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था क्लास टेंथ का साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड न्यूट्रिशन, उसमें हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस इंपॉर्टेंट्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट्स को कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में आने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे आज के वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टाइप लिखी हुई है मैंने, उसमें है फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, कोरिजन, रस्टिंग एंड रेंसिडिटी। तो हम आज सिर्फ कवर करेंगे ये चारों रिएक्शंस को, उसके बाद में इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कोई भी दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस, उनके साथ में चाहे कंपाउंड हो, वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, सपोज ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों गैस हैं और ये मिलकर बनाती है एक अमोनिया गैस NH3। केमिकल इक्वेशन को हम अगर बैलेंस करते हैं, H का 3 है तो इसको क्या करें, यहां पर 3 लिख देता हूं मैं और यहां पर 2 लिख दूं तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। यानी N का ये नाइट्रोजन के 2 है, 2 हो गया, हाइड्रोजन के 6 है तो 3 × 2 = 6 हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, A है और A ये B है, A प्लस B मिलकर क्या बना रहा है, AB। इस तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें Mg2 लगाता हूं इसमें प्लस O2, यानी मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये 3 एग्जांपल थे कॉम्बिनेशन के। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन के उल्टा है। ए बी कोई कंपाउंड है और वो डीकंपोज होने के बाद में ए प्लस बी बन जाता है। क्या बन जाता है, ए प्लस बी। उसमें क्या था, ए प्लस बी था, यानी दो एलिमेंट थे और वो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाते थे, ए बी हो जाते थे, यानी एक कंपाउंड बना देते थे। लेकिन इसके अंदर कोई भी सॉलिड है, कोई भी हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करता है, अलग बन जाता है, एक अलग अलग चीज बनाता है। जैसे देखते हैं इसके एग्जांपल डीकंपोजिशन के, AgCl, तो यानी सिल्वर क्लोराइड, इसमें Ag अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये क्या है, सॉलिड है, ये एक सॉलिड है और ये एक गैस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम डीकंपोजिशन का, फेरिक हाइड्रोक्साइड।
एफ ई ओ एच होल ट्वाइस ये बनाता है, यानी ये सिर्फ एक कंपाउंड है और ये क्या करता है, ये दो चीज बनाता है, डिस्पर्स हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, एफ बी टू ओ थ्री प्लस वाटर। अब जैसा आप देख रहे हैं, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड को जैसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो इसको इक्वेशन में देखते हैं, इसमें ओ का कितना, तीन और एक चार, यहां पर ओ का दो है तो मैं दो इधर बढ़ा देता हूं, और एफ ई का कितना हो गया, तीन हो गया, दो हो गया, और ऑक्सीजन का तीन और एक चार, हाइड्रोजन का दो हो गया, करेक्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसको हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, यानी सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग। इक्वेशन को बराबर कर लेते, टू यहां लगा दो और टू यहां कर दो, इक्वेशन बराबर इक्वल होते हैं। तो ये एग्जांपल थे किसके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, ए बी एंड सी लेते हैं, यानी तीन एलिमेंट्स रहेंगे जिसमें कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसा देख रहे हैं आप, ए प्लस बी सी, ये ए वाला किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ, और बी इससे सेट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ए है कोई एलिमेंट, बी सी कोई कंपाउंड है, इसको यदि हम लें, इनका रिएक्शन कराएं, तो ए किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ, और बी अलग हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, इसके एग्जांपल में देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस कॉपर नाइट्रेट ले रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट, इसमें ए ये है, ये बी है, ये सी, तो ए के साथ क्या चला जाएगा, सी हो जाएगा, ए के साथ सी मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, जैसा कि वहां बताया हुआ, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, जेड एन प्लस एच सी एल, यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि मिलाया जाए तो जिंक क्लोराइड बनता है, क्लोराइड में तो इसमें टू लगाना पड़ेगा और क्या बच जाता है, हाइड्रोजन गैस बच जाती है, हाइड्रोजन गैस बच जाती है। तो इसको बराबर करके देखते हैं, क्योंकि यहां टू हो गया, हाइड्रोजन के दो हो गया, तो यहां दो कर देता हूं, इक्वेशन बराबर हो गया, हाइड्रोजन के दो है, यहां पर हाइड्रोजन दो एटम थे, यहां पर जिंक का एक एटम है, जिंक का एक एटम है, और हाइड्रोजन का दो हो गया, और क्लोरीन के दो हैं यहां पर, और क्लोरीन के दो हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, लेकर सी यू प्लस ए जी एन ओ थ्री, जैसा मैं बता रहा था, ये क्या ए बी एंड सी, तो इसमें क्या मिल जाएगा, ए सी के साथ मिल जाता है, यानी क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट सी यू एन ओ थ्री, और ए जी ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ए जी सेपरेट हो जाएगा। हाँ सॉरी करेक्ट, तो अभी इस
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये तीन एग्जाम्पल काफी है, तो चौथा देखेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये देखिए ए बी है, इसको हमने रिएक्ट कराया है सी डी के साथ, तो ए डी के साथ मिलेगा और बी सी के साथ मिल जाएगा, यानी ए डी के साथ मिलेगा और सी बी के साथ मिल जाएगा, तो क्या बताएगा ए डी प्लस सी बी, ए डी प्लस सी बी, यानी इसके अंदर ये क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अब इसके यहां पर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल में देखते हैं हम पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका हम इसको रिएक्ट कराएंगे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए वाला किसके साथ मिलेगा डी के साथ और सी किसके साथ मिलेगा बी के साथ, ये मैं एरो नाम से दिखाया हुआ है, तो क्या बनेगा देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के एनओ थ्री प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसी तरह से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, इसका रिएक्ट कराया जैसा बता रहा था, यहां पर H क्या है A है, Cl क्या है B, सोडियम C एंड हाइड्रोक्साइड OH क्या है B, इसमें क्या हुआ यानी ये किसके साथ मिल गया A किसके साथ मिल गया Cl के साथ, तो क्या बनाया NaCl प्लस H2O, यानी ये किसके साथ मिल गया डी के साथ, ए डी के साथ में और सी बी के साथ मिल गया, यानी सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, N2SO4 N2SO4 की हम यदि ऐसा Cl2 के साथ में क्लियर करें, सेलेनियम क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएं, इसकी क्लोराइड जिसके साथ में रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा ये किसके साथ मिल जाएगा, ये वाला A मिल जाएगा इसके साथ D के साथ और ऐसा मिलेगा इससे SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा 2NaCl प्लस सेलेनियम सल्फेट ऐसा SO4। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन थी मैन जो कि क्लास 10th में है, इसके अलावा जो और भी रिएक्शंस हैं जो कि क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, बाकी रिएक्शंस
जो दी हुई है अगले वीडियो में देखेंगे हम, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ओरिजन, रस्टिंग एंड रेडिसिटी, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।